हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सबकी फेवरेट कुल्फ़ी की रेसिपी, और इसे हम सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनाने वाले हैं। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है दूध। मैं यहाँ टोटल 3 कप दूध ले रही हूँ। तो मैंने इसमें से थोड़ा ठंडा दूध अलग रखा है, इसका यूज़ हम आगे करेंगे। अब इस दूध को हम गरम करेंगे, इसमें एक बॉयल आने देना है, और मैंने यहाँ फुल फैट मिल्क यूज़ किया है। तो देखिए दूध में बॉयल आ चुकी है। अब गैस बंद कर देंगे और गैस की दूसरी साइड एक पैन लेंगे, और इसमें अब मैं डाल रही हूँ आधा कप चीनी, और 1 टेबलस्पून चीनी और डाल देंगे। 3 कप दूध के लिए इतनी चीनी सफिशियंट है, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस चीनी को मीडियम फ्लेम पर मेल्ट होने देंगे। हमें इस चीनी को कैरेमलाइज करना है, तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये चीनी मेल्ट होने लगी है। इस टाइम हम इसमें कोई चम्मच या स्पैचुला वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे। इस पैन को इस तरह हिलाएंगे। यहाँ हमें गैस की फ्लेम हाई बिल्कुल नहीं करनी, अदरवाइज चीनी पैन के लगना शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए, इस स्टेज पर किसी स्पैचुला या चम्मच से इसे चलाएंगे और आप देखेंगे कि इसका कलर गोल्डन हो गया है। इसको इसी तरह चलाते रहना है, और ये हमारी सारी चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें हमारा बॉईल किया हुआ दूध ऐड करेंगे। बहुत ही ध्यान से, सावधानी से इसे डालेंगे, फ्लेम लो ही रखनी है, और धीरे धीरे इस सारे दूध को डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि ये चीनी के लम्ब्स टाइप बन रहे हैं, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे दूध गर्म होगा, ये चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। और फ्लेम को मैंने यहाँ मीडियम रखा है, आप लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको तब तक चलाएं जब तक ये चीनी अच्छे से घुल ना जाए। तो ये सारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब जो दूध हमने अलग रखा था, इसमें अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर है तो 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर लें। कोई भी ब्रांड का कॉर्नफ्लोर यूज़ कर सकते हैं आप, पर मैं आज आपके साथ ये बिना कॉर्नफ्लोर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसकी जगह गेहूँ का आटा लीजिए। तो मैं यहाँ 2 टेबलस्पून गेहूँ का आटा डाल रही हूँ। ये गेहूँ का आटा हमारे इस कुल्फ़ी को गाढ़ा और रबड़ीदार कंसिस्टेंसी का बनाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लें, ध्यान रखें कि इसमें एक भी लम्स ना हो। तो ये देखिए, मैंने इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लिया है, इसमें एक भी लम्स नहीं है। अब हम इसको दूध में ऐड कर लेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकने देंगे। इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है, वरना ये नीचे लगने लग जाएगा। अगर आपके पास मिल्क पाउडर या फ्रेश क्रीम अवेलेबल हो तो वो भी आप ज़रूर ऐड करें। मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, तो मैं नहीं डाल रही। ध्यान रहे, मिल्क पाउडर को भी आटे की तरह अलग से नॉर्मल दूध में या ठंडे दूध में मिक्स करें और फिर इसमें ऐड करें। तो ये देखिए, इसमें उबाल आ गई है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप इलायची पाउडर को स्किप बिल्कुल ना करें, इसके बिना ये कुल्फ़ी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। और इसको चलाते रहेंगे। अब इसको तब तक चलाना है जब तक ये दूध गाढ़ा ना हो जाए। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखनी है। तो ये देखिए, दूध हमारा गाढ़ा हो गया है और इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बादाम। इसको मैंने दरदरा कूट लिया है। मुझे कुल्फ़ी में बादाम का क्रंच बहुत पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं, या कोई और ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। ये बादाम हमारी कुल्फ़ी को और ज़्यादा टेस्टी बनाएगी। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये मिक्स हमारा कुल्फ़ी के लिए तैयार है। अब गैस बंद कर देंगे और इसको एकदम ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए, ये एकदम ठंडा हो चुका है और गाढ़ा भी हो चुका है। अब मैं इसको अलग अलग कंटेनर में डाल रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ कुल्फ़ी के मोल्ड में डालकर जमा सकते हैं, पर मैं आपको अलग अलग शेप में बनाकर दिखा रही हूँ। अब इसको कवर कर देंगे और बाकी 2 ग्लासेस को फॉइल पेपर से कवर कर देंगे, ताकि इस पर आइस क्रिस्टल ना बने। इस ग्लास में कट लगा देंगे
क्योंकि मैं इसमें आइसक्रीम स्टिक डालूंगी। अब इनको 7 से 8 घंटे या ओवरनाइट फ्रीजर में रख देंगे। तो ये देखिए, मैंने इनको ओवरनाइट फ्रीजर में रख दिया था और ये अच्छे से जम चुकी है। इनके कवर हटा देंगे और इनको इस तरह हाथों से या पानी की हेल्प से निकाल लेंगे। तो ये देखिए, एक डिब्बे की आइसक्रीम को मैंने इस तरह 4 पीस में काट लिया है, जैसे मार्केट में या ठेलों पर मिलती है। ये देखिए, ये कुल्फी भी कितनी अच्छी और क्रीमी बनी है। इस ग्लास की कुल्फी को मैं इस तरह पीसेस में काट रही हूँ, जैसी कट कुल्फी मार्केट में मिलती है। तो ये देखिए, मैंने इसे पिस्ता से गार्निश किया है। हमारी बहुत ही टेस्टी और क्रीमी कुल्फी बनकर तैयार है। हमने बहुत ही थोड़े इंग्रेडिएंट से इसे बनाया है, बहुत ही टेस्टी बनती है ये। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये सबको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।